हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अंदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सचिन रेड्डी के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग। सचिन रेड्डी जिसका पूरा नेम है आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे आपको, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहता है एंट्रेंस एग्जाम। सो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे जो पहला स्टेप रहता है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स का। सो जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है, आपके 10-12 मार्कशीट की स्कैन कॉपी और आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज और आपकी एक फ़ोटो। तो यूजुअली इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराते हैं, तो सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ रशिया में ऐसी है जो कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपका एडमिशन लेटर इशू करती है, लेकिन सच में वो एडमिशन लेटर इशू नहीं करती, डायरेक्टली आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। एवरी मंथ 1-2 स्लॉट्स होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तो जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट रहता है, तो उस डेट्स पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। दो सब्जेक्ट्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, केमिस्ट्री और रशियन लैंग्वेज। दोनों ही अलग अलग दिन कंडक्ट होते हैं। पासिंग मार्क्स है 55 out of 100। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका इश्यू होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है कि इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे भी मेंशन होता है कि क्या फीस रहेगी, क्या टाइमलाइन है, वो सारी डिटेल्स है एग्रीमेंट में मेंशन रहती है। एग्रीमेंट इशू होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होती है। तो आप सेमेस्टर वाइज भी फीस पे कर सकते हो या फिर आप ईयरली भी फीस पे कर सकते हो। यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के बाद आपको रिसिप्ट हमें सबमिट करनी है और आपका जो साइंड एग्रीमेंट है वो भी आपको सबमिट करना है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में आपका आगे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो बेसिकली आपका एजुकेशन पोर्टल और आपका इन्विटेशन का रहता है। इन्विटेशन लेटर आपके फीस पे करने के बाद ही अप्लाई होता है। पहले एक्चुअली आपका एंट्रेंस भी ऑफलाइन होता था और आपका फीस भी वहाँ जाके मॉस्को जाके पे होती थी, लेकिन कोविड के बाद से एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है और एंट्रेंस एग्जाम के बाद ही आपको फीस पे करनी है, जिसके बाद आपका इन्विटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इन्विटेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, वो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा इन्विटेशन लेटर के लिए। इन्विटेशन जो है सचिन यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन होता है, जिसमें तकरीबन 25 वर्किंग डेज लगते हैं इश्यू होने में। इन्विटेशन एक्चुअली नेसेसरी होता है, इंडिया में जो आपका वीज़ा अप्लाई होता है उसके लिए मैंडेटरी है इन्विटेशन लेटर, उसी के बिहार पे आपका वीज़ा का अप्लाई होता है। सो इन्विटेशन इशू होने में लगेंगे 25 वर्किंग डेज। जैसे इन्विटेशन लेटर आ जाता है हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और उस पर वीज़ा का प्रोसेस हम आपका स्टार्ट करवा देते हैं। वीज़ा के लिए आपके HIV की रिपोर्ट और आपकी फ़ोटोज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, और आपका उस टाइम पे ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि सचिनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन है, तो वीज़ा में भी जो है अगर नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10-11 वर्किंग डेज लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन पे वीज़ा इशू होने में। जैसे ही आपका वीज़ा इशू हो जाता है, आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हो। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड, आप जो इन्विटेशन लेटर इशू होता है उस पर बेसिस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पे वीज़ा लगता है और वीज़ा के बिहाफ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा जो लगता है वो लगता है 90 डेज का, इस सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन रूल है। और वहाँ जाने के बाद यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सटेंड करती है। आपने कभी भी हमारा फीस स्ट्रक्चर देखा हो किसी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन की फीस मेंशन होती है। वहाँ पे एक्चुअली सारी फीस मेंशन होती है, ट्यूशन, हॉस्टल, मेडिकल चेकअप एक्सेट्रा। तो वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन की फीस ही मेंशन होती है, जो कि यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सटेंड कराती है फॉर दी नेक्स्ट 1 ईयर। सपोज़ आपका अक्टूबर में वीज़ा लगा तो दिसंबर तक वैलिड होगा, तो नवंबर तक आपको जो है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, और उसमें हम आपको सम हेल्प करते हैं और यूनिवर्सिटी जो है वीज़ा एक्सटेंड कर देगी नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक। सो एवरी ईयर वीज़ा एक्सटेंड होता जाएगा। वीज़ा इंडिया में सिर्फ आपका एक ही बार लगेगा, फिर हर साल यूनिवर्सिटी जो है वीज़ा एक्सटेंड आपका एवरी ईयर करती जाएगी। सो लेट से आपका वीज़ा भी लग गया है, तो वीज़ा लगते ही जो है आप ट्रैवल कर सकते हो रशिया, और वहाँ जाते ही आपका जो बैच ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट हो जाता है और आपकी ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। रशिया पहुँचने के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है, मेडिकल चेकअप और बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती है, लेकिन आपको उस चीज़ का वरी करने की नहीं, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम ही हैंडल करते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद जो है आपको जो स्टूडेंट ID वो भी आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है, और आप अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट कर सकते हो रेगुलरली।
सो ये था पूरा एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी का। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रोसेस के रिगार्डिंग या एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप दी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो एंड वी विल हैप्पी टू क्लियर। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल पर और वीडियोज देख सकते हो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।